ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಕಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जमात दहम उर्दू ज़बान अव्वल की क्लास में मैं सैयद राशिद मौलिम गवर्नमेंट हाई स्कूल बगदल बीदर आप तमाम तलबा व तालिबात और अज़ीज़ नाजरेन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद प्यारे तलबा व तालिबात, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है सबक नंबर 7 नज़्म रिश्वत, इसके शायर हैं जोश मलियाबादी। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूंगा, उम्मीद है कि आप इसके सही जवाबात देने की कोशिश करेंगे। सवाल देखिए, शायर कौन सी आदत को खिलाफ आदमियत कह रहा है? जी बताइए, जी आप बताइए जवाब। शायर रिश्वत आदत को खिलाफ आदमियत कह रहा है, बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 2 देखिए, शायर अपनी बस्ती को किन लोगों का पागलखाना कह रहा है? कौन देंगे इसका जवाब? जी आप दीजिए। शायर अपनी बस्ती को नासिहों का पागलखाना कह रहा है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 3, शायर की नज़र में रिश्वत ना लेने से क्या नुकसान होता है? जी इसका जवाब कौन देंगे? जी आप बताइए। शायर की नज़र में रिश्वत ना लेने से पेट भर खाने का नुकसान होता है। शाबाश, बड़े ही अच्छे अंदाज में आप लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसके मुताबिक जो सवालात थे उसके सही जवाब दिए हैं, बहुत खूब, शाबाश। आइए अब हम इसी नज़्म रिश्वत शायर जोश मलियाबादी हिस्से 2 पढ़ेंगे। नज़्म रिश्वत का अगला हिस्सा पढ़ने से पहले मैं आपको हिस्से अव्वल में हमने जो पढ़ा था उसके मुतालिक बता दूं, फिर इसके बाद हम दूसरे हिस्से 2 पढ़ेंगे। हिस्से अव्वल में हमने पढ़ा था, पहला बंद उसका ये था, लोग हमसे रोज़ कहते हैं ये आदत छोड़िए, ये तिजारत है खिलाफ आदमियत छोड़िए, इससे बदतर नहीं कोई ये लत छोड़िए, रोज़ अखबारों में छपता है कि रिश्वत छोड़िए। अहमकाना हर अमल हर कौल मजनूनाना, अपनी बस्ती नासिहों का एक पागल खाना। इसकी तशरीह इस तरीके से है, जोश मलियाबादी इस बंद में कह रहे हैं कि लोग हमसे रोज़ाना तिजारत छोड़ने के लिए कह रहे हैं क्योंकि ये रिश्वत की तिजारत आदमियत के ख़िलाफ़ है और ये सबसे बदतर लत है, इसके मुतालिक रोज़ाना अखबारों में छपता है कि रिश्वत छोड़िए क्योंकि इसका हर अमल अहमकाना वो मजनूनाना है, और जो लोग नसीहत कर रहे हैं इन नासिहों को जोश बस्ती के पागल खाने में रहने वालों से तशबे दे रहे हैं। ये था पहला बंद और उसकी तशरी। आइए दूसरा बंद हम देखेंगे जो हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। दूसरा बंद इस तरीके से था, हाथ से खोदे अगर इस चीज़ को पाएंगे क्या, हम अगर रिश्वत नहीं लेंगे तो फिर खाएंगे क्या, क़ैद भी कर दे तो हमको राह पर लाएंगे क्या, ये जुनून इश्क के अंदाज छट जाएंगे क्या, मुल्क भर को क़ैद कर दे किसके बस की बात है, खैर से सब हैं कोई दो चार बस की बात है। इसकी तशरीह इस तरीके से थी, जोश मलियाबादी इस बंद में कह रहे हैं कि रिश्वत लेने वाले कहते हैं हाथ में आने वाली रिश्वत को अगर हम खोदे तो क्या पाएंगे, और रिश्वत नहीं लेंगे तो फिर क्या खाएंगे, क्योंकि हमारी कम तनख्वाहों से पेट नहीं भरता है, रिश्वत लेने की वजह से कोई हमें क़ैद भी करके सीधी राह पर नहीं ला सकता है क्योंकि सारा मुल्क इसमें मुलव्विस है और कोई सारे मुल्क को क़ैद नहीं कर सकता। प्यारे तलबा, ये 2 बंद हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं, उसके अब हम तशरीह भी देख चुके हैं। आइए अब आज जो 2 बंद पढ़ना है, अगला हिस्सा रिश्वत नज़म का, उसकी बुलंद खानी होगी, आप लोग बग़ौर खामोशी के साथ समाद फरमाइए। नज़्म।
रिश्वत जोश मली है आबादी। लोग हमसे रोज कहते हैं ये आदत छोड़िए, ये तिजारत है खिलाफे आदमियत छोड़िए, इससे बदतर लत नहीं कोई ये लत छोड़िए। रोज अखबारों में छपता है कि रिश्वत छोड़िए, लोग हमसे रोज कहते हैं ये आदत छोड़िए। अहमखाना हर अमल हर काल मजनूनाना है, अपनी बस्ती नासिहों का, अपनी बस्ती नासिहों का एक पागल खाना है। हाथ से खो दे अगर इस चीज को पाएंगे क्या, हम अगर रिश्वत नहीं लेंगे तो फिर खाएंगे क्या। कैद भी कर दे तो हमको राह पर लाएंगे क्या, ये जुनून इश्क के अंदाज छट जाएंगे क्या। मुल्क भर को कैद कर दे किसके बस की बात है, खैर से सब है कोई, खैर से सब है कोई, दो चार बस की बात है। ये हवस ये चोर बाजारी ये महंगाई ये भाव, राई की कीमत हो जब पर्वत तो क्यों आए ना ताओ। अपनी तनख्वाहों की नदी में है पानी आध पाओ, और लाखों टन की भारी अपने जीवन की है नाओ। मुस्तैद है हमसे जो रिश्वत छुड़ाने के लिए, रेत में कहते हैं कश्ती चलाने के लिए। सबसे पहले हूँ आशा मैं सनात रोकिए, तेग जन सरमायादारी की शखावत रोकिए, इतनी कम तनख्वाह देने की बिखिसत रोकिए। रोज शब बढ़ती हुई चीजों की कीमत रोकिए, रोज शब बढ़ती हुई चीजों की कीमत रोकिए। ये हलाकत खैजियां जिस दिन फना हो जाएंगे, ये हलाकत खैजियां जिस दिन फना हो जाएंगे। रिश्वतों की आंधियां, रिश्वतों की आंधियां दम में हवा हो जाएंगी। ये हलाकत ये खैजियां जिस दिन फना हो जाएंगी, रिश्वतों की आंधियां दम में हवा हो जाएंगी। लोग हमसे रोज कहते हैं ये आदत छोड़िए, ये तिजारत है खिलाफे आदमियत छोड़िए, इससे बदतर लत नहीं कोई ये लत छोड़िए। प्यारे तलबा, आज के दोबंद की अभी हम बुलंदखानी की, इसमें आज की बुलंदखानी में जो काफ़े इस्तेमाल हुए हैं हम काफ़े अल्फाज, उसे आपको पहचानना है और बताना है। पहला देखिए, पहला शेर, ये हवस ये चोर बाजारी, ये महंगाई ये भाव, राय की कीमत हो जब पर्वत तो क्यों आए नताओ। अपनी तनख्वाहों की नदी में है पानी आद पाओ, और लाखों टन की भारी अपने जीवन की है नाओ। मुस्तैद हैं हमसे रिश्वत छुड़ाने के लिए, रेत में खेते हैं वो कश्ती चलाने के लिए। सबसे पहले खूँ आशामई सनत रोकिए, तय गज़न सरमायादारी की शकावत रोकिए, इतनी कम तनख्वाह देने की भी किस्सत रोकिए, रोज़ व शब बढ़ती हुई चीज़ों की कीमत रोकिए। यह हलाकत खेजियाँ जिस दिन फना हो जाएंगी, रिश्वतों की आंधियाँ दम में हवा हो जाएंगी। प्यारे तलबा, यह है आज के दो बंद जो अभी हम बुलंदखानी में पढ़ चुके हैं, इसमें आपको हम काफ़ी अल्फाज पहचानना है।
पहला शेर देखिए, ये हवस ये चोर बाजारी, ये महंगाई ये भाव, राय की कीमत हो जब पर्वत तो क्यों आए ना ताव। इसके हम काफी अल्फाज बोलिए पहले शेर के, जी आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब, भाव और ताव हम काफी अल्फाज है। इसका दूसरा शेर देखिए, अपनी तनख्वाहों की नदी में है पानी आत पाओ, और लाखों टन की भारी अपने जीवन की है नाव। इसके हम काफी अल्फाज पहचानिए, जी आप बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, पाओ और नाव हम काफिया अल्फाज है। इसका तीसरा शेर देखिए, मुस्तैद हैं हमसे रिश्वत छुड़ाने के लिए, रेत में खेते हैं वो कश्ती चलाने के लिए। कौन बताएंगे इसके हम काफिया अल्फाज, जी आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब, छुड़ाने और चलाने। फिर इसके बाद दूसरे बंद का पहला शेर देखिए, सबसे पहले खूँ आशामई सनत रोकिए, तैगेजन सरमायादारी की शकावत रोकिए। इसके हम काफी अल्फाज, जी बताइए आप बताइए। सनत शकावत, बिल्कुल सही जवाब। इसका दूसरा शेर देखिए, इतनी कम तनख्वाह देने की भी किस्सत रोकिए, रोज़ व शब बढ़ती हुई चीज़ों की कीमत रोकिए। हाँ कौन बताएंगे इसके हम काफी अल्फाज, जी आप बताइए। बिल्कुल किस्सत कीमत, बिल्कुल सही जवाब। आखिरी शेर देखिए दूसरे बंद का, यह हलाकत खेजियाँ जिस दिन फना हो जाएंगी, रिश्वतों की आंधियाँ दम में हवा हो जाएंगी। इसके बताइए हम काफी अल्फाज, जी आप बताइए। फना हवा, बिल्कुल सही जवाब। प्यारे तलबा, ये हैं हम काफिया अल्फाज जो आज के नज़्म के दो बंद में इस्तेमाल हुए हैं। आइए अब हम अल्फाज माने देखेंगे। पर्वत यानि पहाड़, इन अल्फाज मानों को आपको आपकी नोटबुक में आपको तहरीर करना है। पर्वत पहाड़, भाव यानि कीमत, शखावत बदनसीबी बदमाश, ताव गुस्सा, नाव कश्ती, खेना चप्पू से नाव चलाना, किस्सत बखीली कंजूसी, हवस लालच, मुस्तैद तैयार आमदा चुस्त। प्यारे तलबा, आज के जो दो बंद की हमने बुलंदखानी की है उसके ये थे अहम अल्फाज माने। आइए अब हम मुरक्कबात की तरफ चलते हैं। आज के बंद में इस्तेमाल हुए मुरक्कब अल्फाज के माने जानेंगे। सबसे पहले देखिए, खूँ आशामई यानि खून खारी, जुल्म सितम, हलाकत खेज़ यानि तबाह करने वाला, तैगज़न यानि तलवार चलाने वाला, रोज़ व शब यानि दिन व रात। प्यारे तलबा, ये थे मुरक्कब अल्फाज जो आज की नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं। आइए प्यारे तलबा, आइए अब हम आज के बंद की तशरीह देखेंगे। सबसे पहले बंद को देखेंगे जो आज हमने जिसकी बुलंदखानी की है, यह हवस ये चोर बाजारी, ये महंगाई ये भाव, राय की कीमत हो जब पर्वत तो क्यों आए न ताओ, अपनी तनख्वाहों की नदी में है पानी आत पाओ, और लाखों टन की भारी अपने जीवन की है नाव, मुस्तैद हैं हमसे रिश्वत छुड़ाने के लिए, रेत में खेते हैं वो कश्ती चलाने के लिए। आए इस बंद की तशरीह इस तरीके से है, जोश मलियाबादी इस बंद में कह रहे हैं कि जब लालच चोर बाजारी महंगाई और कीमत बढ़ने लगती हैं तो राय की कीमत भी पहाड़ जैसी महंगी होती है, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि निस्फ महीना होते ही ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी इतनी भारी है और इस पर कीमतों की बढ़ती कश्ती चल रही है, हकीकत में जो हमसे रिश्वत छुड़ाने के लिए आमादा हैं वो रेत में कश्ती चलाने का काम कर रहे हैं। प्यारे तलबा, ये थी इस बंद की तशरीह। उम्मीद है कि इसको आपने अपनी नोटबुक में तहरीर कर लिया होगा। आइए दूसरा बंद देखेंगे, सबसे पहले खूँ आशामई सनत रोकिए, तैगेजन सरमायादारी की शकावत रोकिए, इतनी कम तनख्वाह देने की भी किस्सत रोकिए, रोज़ व शब बढ़ती हुई चीज़ों की कीमत रोकिए, यह हलाकत खेजियाँ जिस दिन फना हो जाएंगी, रिश्वतों की आंधियाँ दम में हवा हो जाएंगी। जोश मलियाबादी इस बंद में कह रहे हैं कि
सबसे पहले जुल्म सितम करने वाली सनत को रोकिए और सरमायादारों की बदमाशी को रोकिए और कम तनख्वाहों की किस्सत और बढ़ती हुई चीज़ों की कीमत को रोकिए। ये तबाह करने वाले काम जिस दिन फना हो जाएंगे, रिश्वतों की आंधियां भी एक दम में हवा हो जाएंगी। ये थी प्यारे तलबा, ये थी इस बंद की तशरीह। उम्मीद है कि इसको आपने अपनी कापी में कलमबंद किया होगा। आइए अब हम मुहावरे देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे की क्या तारीफ है। मुहावरे यानि मुहावरे के लघवी माने, मुहावरे के लघवी माने गुफ्तगू करना या हम कलाम होना है। दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमू को मुहावरा कहते हैं जो किसी मुसद्दर से मिलकर बना हो और वह अपनी लघवी या हकीकी माने के बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी माने में इस्तेमाल हुआ हो। ये थी मुहावरे की तारीफ। आइए अब हम देखेंगे आज की नज़्म में कौन से मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं और उनके माने जानेंगे। देखिए, राह पे लाना यानि सीधा रास्ता बताना, ताव आना गुस्सा आना, हवा होना गायब होना, काफुर होना। ये थे मुहावरे जो हमारी नज़्म में, रिश्वत नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं और ये उनके माने थे। प्यारे तलबा, आइए अब हम मानवी फ़र्क देखेंगे। चोर यानि दूसरों का माल चुराने वाला। अब एक है चूर यानि रेजा रेजा, टुकड़े टुकड़े। रीत यानि रिवाज। अब एक है रेत यानि बालू। दम यानि सांस लम्हा। दुम यानि पूंछ। प्यारे तलबा, उम्मीद है कि इन अल्फाज का मानवी फ़र्क अच्छी तरीके से समझे होंगे और इसको अपनी कापी में नोट किए होंगे। आइए अब हम प्यारे तलबा, आइए एक सवाल करेंगे हम। शायर के नज़दीक रिश्वत को छोड़ना किस लिए मुहाल है? मैं इसका जवाब बताऊंगा। इस जवाब को आपको अपनी कापी में लिखना है। जवाब इस तरीके से है इसका, शायर के नज़दीक रिश्वत को छोड़ना इसलिए मुहाल है कि हर तरफ चोरबाजारी, हवस और महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि राय की कीमत भी पहाड़ जितनी हो गई है। इसके अलावा लोगों की तनख्वाहें इतनी कम हैं कि इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये था जवाब इस सवाल का। उम्मीद है कि इसको आपने अपनी कापी में नोट किया होगा। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल इस तरीके से है, रिश्वत सताने को मिटाने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए? इसका जवाब देखिए, रिश्वत सताने को मिटाने के लिए सरमायादारों और सनतकारों को लगाम देने की ज़रूरत है ताकि वो कीमतों को बढ़ाने से रुक जाए। इसके अलावा मुलाजिमत करने वालों को इतनी तनख्वाह देनी चाहिए कि इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी मुकम्मल हो सके। शब व रोज़ बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की ज़रूरत है। जिस दिन इन इकदामात पर अमल हो जाएगा, इस दिन से रिश्वत का मिटना शुरू हो जाएगा। तो ये था जवाब। उम्मीद है कि इस जवाब को आपने अपनी कापी में नोट कर लिया होगा। आइए प्यारे तलबा, आइए अब हम इस नज़्म का खुलासा देखेंगे। इस नज़्म के खुलासे को आप अपनी कापी में नोट कीजिए, कलमबंद कीजिए या फिर तहरीर कीजिए। खुलासा इस तरीके से है, नज़्म रिश्वत में जोश मलियाबादी कह रहे हैं कि लोग रिश्वत को एक बदतरीन आदत कहते हुए छोड़ने की नसीहत करते हैं। रिश्वत के खिलाफ अखबारात के बयानात और दूसरी कामिशें अहमकाना व मजनूनाना मालूम होती हैं, क्योंकि रिश्वत हर तरफ आम है, हर कोई इसमें मुब्तला है। क्या इन तमाम को क़ैद किया जाएगा? रिश्वत के असबाब में चोर बाजारी, महंगाई, तनख्वाहों की कमी वगैरह हैं। जो रिश्वत को ख़त्म करने की बात करते हैं वो रेत में कश्ती चलाना चाहते हैं। रिश्वत का खात्मा वाक़ता होना चाहिए कि खून चूसने वाली सनतों, सरमायादारी की बदबख्ती, कम तनख्वाह देने की बुरी आदत और बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाना चाहिए, तब रिश्वत का खात्मा मुमकिन है। ये था खुलासा नज़्म रिश्वत का। उम्मीद है कि इस खुलासे को आपने अपनी
कापियों में नोट कर लिया होगा। प्यारे तलबा, आइए एक सरगर्मी की तरफ चलते हैं। इस सरगर्मी को उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे। दर्जे ज़ल बंद को गौर से पढ़कर इसमें लिखे गए गलत अल्फाज की जगह सही अल्फाज दर्ज कीजिए। सबसे पहले बंद देखिए। लोग हमसे रोज़ कहते हैं ये लानत छोड़िए, ये शरारत है खिलाफ आदमियत छोड़िए, इससे बेहतर लत नहीं कोई ये लत छोड़िए, रोज़ खबरों में छपता है कि रिश्वत छोड़िए, अहमखाना हर अमल हर बोल मजनूनाना है, अपनी बस्ती काहिलों का एक पागलखाना है। इन गलत अल्फाज की जगह इन सही अल्फाज के ज़रिए आप शेर को मुकम्मल कर सकते हैं। इसके सही अल्फाज देखिए। आदत, लोग हमसे रोज़ कहते हैं ये आदत छोड़िए। दूसरा मिसरा, ये शरारत है खिलाफ। तीसरा मिसरा है, इससे बदतर लत नहीं कोई ये लत छोड़िए। चौथा मिसरा है, रोज़ अखबारों में छपता है कि रिश्वत छोड़िए। अहमखाना हर अमल हर खौल मजनूनाना है, अपनी बस्ती काहिलों का नहीं नासिहों का एक पागलखाना है। तो ये गलत अल्फाज की जगह ये सही अल्फाज के ज़रिए हम इस बंद को मुकम्मल किए हैं। शाबाश। आइए और एक सरगर्मी करेंगे। पहले दो लफ्ज़ों में जो ताल्लुक़ है इसकी मुनासिबत से अगला लफ्ज़ आपको लिखना है, पहचानना भी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अहमक, अहमखाना नासे डैश। सवाल नंबर दो, फना बखा खैद डैश। सवाल नंबर तीन, आदत लत हवस। सबसे पहले है अहमक, अहमखाना। आपको पहले इन दो का ताल्लुक समझना ज़रूरी है। तो क्या है दोनों का ताल्लुक? अहमक वाहिद है, अहमखाना उसकी जमा है। शाबाश। नासे की जमा क्या होंगी, कौन बताएगा? जी आप बताइए। नासे की जमा नासिहाना, बिल्कुल सही जवाब। फना बखा, ये कौन से अल्फाज हैं? जी ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। शाबाश। क़ैद की ज़िद क्या उन बताएगा? जी आप बताइए। क़ैद की ज़िद आज़ाद, बिल्कुल सही जवाब। शाबाश। तीसरा है आदत लत, आदत के माने हैं लत। हवस के माने कौन बताएंगे? जी जी आप बताइए। हवस के माने लालच। शाबाश। प्यारे तलबा, इस सरगर्मी को आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया, शाबाश। आइए और एक सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ये तिजारत है खिलाफ आदमियत छोड़िए। ये तिजारत से मुराद है सूद रिश्वत कर्ज। कौन बताएंगे सही जवाब? जी आप बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है रिश्वत। सवाल नंबर दो देखिए। राय की कीमत हो जब पर्वत तो क्यों आए न ताओ। राय की कीमत हो जब पर्वत तो क्यों आए न ताओ। ताओ आने की वजह छोटी से छोटी चीज़ की महंगाई, छोटी से छोटी चीज़ की महंगाई, राय की कीमत में इजाफा, पहाड़ जैसा नुकसान। क्या होगा इसका सही जवाब? कौन कोशिश करेंगे? जी आप कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब, छोटी से छोटी चीज़ की महंगाई। राय की कीमत हो जब पर्वत तो क्यों आए ना ताओ, यानी इसका मतलब है ताओ आने की वजह का मतलब है छोटी सी छोटी चीज़ की महंगाई हो जाएगी। सवाल नंबर तीन देखिए। रेत में खेते हैं वो कश्ती चलाने के लिए, यानी इसका मतलब है हालात से निबाह करना, नामुमकिन को मुमकिन समझना, मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब देखना। क्या होगा इसका सही मतलब? कौन पहचानेंगे? जी आप पहचानिए। जी बताइए। इसका मतलब होगा नामुमकिन को मुमकिन समझना। शाबाश। सवाल नंबर चार देखिए। अपनी बस्ती नासिहों का एक पागलखाना है। इस मिसरे का लहजा देखिए, मज़ाहिया संजीदा तंजिया। ये कौन सा मिसरा है? या मज़ाहिया है या संजीदा वाला है या तंजिया है, इसे आपको पहचानना है। कौन कोशिश करेंगे? जी आप कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, ये तंजिया वाला लहजा है।
अपनी बस्ती नासिहों का एक पागल खाना है, ये तंजिया अंदाज में कहा गया मिसरा है। शाबाश, बहुत खूब, बहुत बहुत ये अच्छा जवाब आपने, सही जवाब दिया, शाबाश। प्यारे तलबा, इसी के साथ आज की नज़्म रिश्वत का यहाँ पर इख्तिताम होता है। आज की नज़्म ख़त्म करने से पहले मैं आपको घर का काम यानी होमवर्क दूंगा, इसको आपको मुकम्मल कर अपने मौलिम मौलिमा को बताना है। घर का काम देखिए, नज़्म रिश्वत का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। आपको नज़्म रिश्वत का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखकर अपने उस्ताद को बताना है। इसी के साथ आज की इस क्लास का इख्तिताम होता है। मैं सैयद राशिद मौलिम गवर्नमेंट हाई स्कूल बगदल आपसे रुख्सत लेता हूँ। खुदा हाफिज़। Yeah।